इसको मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। क्लिक इसलिए कर देना क्योंकि आने वाले सारे वीडियो जो है मेटल डिटेक्टर के बारे में एक अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, जो आपके लिए काफी यूजफुल होगी जो फील्ड में, और आपको ये चूज करने में भी हेल्प करेगी कि आपको कौन सा मेटल डिटेक्टर शुरुआत में परचेज करना है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो टेक्नेटिक्स का जो G2 मेटल डिटेक्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और G2 प्लस टेक्नेटिक्स की सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट सेलिंग, अगर अपन बात करें मिड रेंज, लेकिन ज्यादा प्रोफेशनल नहीं, मिड रेंज से थोड़ा ऊपर का ये मशीन है। 19 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे रन होने वाली मशीन जो है नगेट्स प्लस ट्रेजर हंटिंग पे काम आती है। तो इसका जो है आज हम आपको, मैंने जैसे बॉक्स ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं बॉक्स ओवरव्यू, काफी अच्छी डिजाइन है, बढ़िया मशीन है और आसानी से इसको जो आप समझ सकते हैं। तो हम जो इस मशीन का सिर्फ आपको मेन्यू एक्सप्लेन करने वाले हैं, और ये आप जैसा देख पा रहे हैं हमने इस मशीन को असेंबल किया हुआ है। ये मशीन है 9 वोल्ट बैटरी पे रन होने वाली मशीन, इसको हमने आप देख सकते हैं असेंबल किया हुआ। इसका हम आपको मेन्यू एक्सप्लेन करेंगे, हमारे कस्टमर्स को बहुत दिक्कत आती है कभी कभार, क्या है कि इसको फील्ड में नहीं चला सकते, इसीलिए हमने स्पेशली जो है एक नया वीडियो लाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टेक्नेटिक्स G2 का जो है कंट्रोल यूनिट का मेन स्क्रीन है, और इससे हम आपको आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल ये डिस्क में है, चलिए इसको मैं करता हूँ ऑन। ये ऑन ऑफ का बटन है, और गेन यानी कि सेंसिटिविटी का बटन भी यही है। इसी से अपन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और मशीन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही स्टार्ट होती है पूरा ये, आप ये देखिएगा जैसे ये बैटरी इंडिकेटर है। अब इसमें कुछ मोटे मोटे फंक्शन मैं आपको जैसे ये जो बटन के मैं बता देता हूँ। ये मेन्यू बटन भी काम आता है, और ग्राउंड बैलेंस बटन में भी ये इसको काम ले सकते हैं। पिन पॉइंट बटन भी इसे काम ले सकते हैं। ये तब काम आता है जैसा, अगर मेन्यू बटन में अगर अपन जैसे ये आप कब काम आता है, ये अगर हम इस मशीन को डिस्क मोड में रखेंगे तब ये जो है मेन्यू काम में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे वॉल्यूम दिख रही है आपको, पहले मैं इसकी जो है लाइट ऑन कर देता हूँ, और ये जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइट ऑन, ये होगी अपनी लाइट ऑन। अब आपको आराम से इसमें जो है दिख रहा होगा। उसके बाद में अगर मैं मेन्यू को और स्क्रॉल करूँ, ये वॉल्यूम हो गई, फिर उसके बाद वॉल्यूम ब्रेक हो गया, और उसके बाद नॉच हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको समझाऊंगा। और ये रहता है डिस्क, डिस्क जीरो का मतलब है सारे मेटल चालू है। उसके बाद में मैं आपको ये इसमें अगर अपन को रहता है कि अब अपन GG बटन पे जो है इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसको जैसे हम इसको ऑल मेटल मोड में ऑन करते हैं, और थ्रेशोल्ड को आपको रखना है जीरो, जीरो या टू आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो है GG बटन को दबाते हुए ग्राउंड पे मशीन को 5 से 7 बार पंप करना है और वहां पे छोड़ देना है। अगर आप शुरुआत में इस मशीन को ग्राउंड बैलेंस जो है अगर आप सही तरीके से करना सीख जाएंगे और ऑल मेटल पे चलाना सीख जाएंगे, उसके बाद में अगर आप इसका डिस्क यूज करो तो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। सीधा बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, मशीन ले जाते हैं सीधा अपने पॉइंट पे चले जाते हैं। अगर हमने मशीन को कुछ सीखा ही नहीं, कुछ ट्रेनिंग नहीं ली, खुद अगर प्रैक्टिकल नहीं की, हम तो बताने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको फोन पे बता देते हैं, वीडियो कॉल पे भी चलो बता देते हैं, लेकिन अगर वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस मशीन को नहीं सीखेंगे, तो वो मशीन कभी भी आपको सही से रिजल्ट नहीं देगी। उसके बाद में ये रहता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, कभी कुछ आप फिर हार मान जाते हो, तो ऐसी चीजें तब होती है जब हम अगर सही तरीके से मेहनत नहीं करते हैं। आप पूछते रहिएगा, हमें कॉल करके पूछिए किस तरीके से चलाना है, हम बताएंगे, कोई इशू नहीं। आप छोटी मशीन ले जा रहे हैं आपके लिए उतना ही मायने रखता है, और अगर आप बड़ी मशीन ले जा रहे हैं तो भी हमारे लिए आप उतने ही मायने रखते हो, कोई इशू नहीं। तो ये हो जाता है ग्राउंड फेज, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप GG बटन दबाएंगे या FE3 और 4 पे आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो है रीडिंग दिख जाएगी। कहने का मतलब ये रहता है कि जमीन के अंदर जो है मैग्नेटिक या मिनरल कितना है, उसके हिसाब से ये आप देख सकते हैं। ये है फिलहाल, अभी मैंने इसको ग्राउंड बैलेंस नहीं किया क्योंकि जो है कैमरा यहाँ पे लगा हुआ और मशीन एकदम स्टेबल रखी हुई है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये रहता है अपना ग्राउंड बैलेंस में, इसमें सारा ये बटन रहता है, और ये रहता है PP जो पिन पॉइंट का बस। इससे अपन जैसे अगर कोई टारगेट अपन को मिलता है तो हम यहाँ से पिन पॉइंट करके पता कर सकते हैं कि टारगेट जो है एग्जैक्टली किस जगह पे है, और वो कितनी साइज में और कितना बड़ा है, ये अंदाजा हमको पिन पॉइंट से लगाया जाता है। ये तब पता चलता है जब हम टारगेट को
चारों दिशाओं से वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में हम जब भी हम इस मशीन को पिन पॉइंट करें तो कॉइल की जो हाइट को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अगर आप जनरली 4 इंच का रखते हैं तो पिन पॉइंट करते टाइम कॉइल की हाइट को थोड़ा ऊपर बढ़ा देना। अगर रियल मेटल है तो मशीन उस मेटल पे वॉइस जरूर जनरेट करेगी, अदरवाइज ये क्या है कि आपको मैं बता दूं, अगर मेटल नहीं होता तो वॉइस कभी नहीं गिरे। अगर आप पिन पॉइंट करते ही ग्राउंड से 1 इंच ऊपर कॉइल रखते हैं तो मिनरल को डिटेक्ट करते हुए ये मशीन जो है वॉइस जनरेट करती है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। प्रॉब्लम क्योंकि मिनरल पे बजने जब बजती है मशीन, अगर आप सही तरीके से इसको नहीं यूज करते हैं तो आप वहां पे गड्ढा लगा दोगे और आपके लिए फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। जब आप सीखोगे तब आप फील्ड में इसको 10 से 15 दिन हर एक मशीन को कम से कम चलाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अलग अलग मेटल पे जो भी मशीन आपका जो ले जाते हैं, कोई भी मेटल निकाल रही है आप, अगर आप जैसे खुद मेटल गाड़ के मशीन को टेस्ट कर रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है। अगर आप रेंडमली अगर ग्राउंड में मशीन को चला रहे हो और आपकी मशीन कहीं पे भी टारगेट को हिट करती है, इसलिए आप उस टारगेट को जरूर खोदें और ये पता जरूर करें कि नीचे कौन सा मेटल। इससे आपको टारगेट आईडी समझने में भी हेल्प होगी और आप जो है मशीन को अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अभी मैं इसको ले रहा हूँ वापस डिस्क मोड में। अब डिस्क मोड में मैं आपको जनरली बताऊँ, ज्यादा कुछ फंक्शन अपन को नहीं लगाना है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये 40 तक मेरे को बंद करना है। रीजन जो से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है कॉइल साइज से छोटे ऑब्जेक्ट, आयरन फॉइल एल्यूमिनियम वगैरह, ये सारे जो है इस डिस्क में बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा अलग अलग मेटल्स पे जो है कुछ डेमो दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से जो है अलग अलग मेटल्स पे। कभी इसे दिखाने से पहले मैं आपको जो है ये जो वापस इसको डिस्क को जीरो कर देता हूँ। अभी जैसे ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आयरन का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ ये 29 की टारगेट आईडी जनरेट करता है, ये गोल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये 71 की टारगेट आईडी जनरेट करता है और ये सिल्वर का ऑब्जेक्ट जो है वो 93 का। अब मेरे को जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट को बंद करना हो तो मेरे को कम से कम जो डिस्क लगाना पड़ेगा वो मैं लगा देता हूँ डिस्क यहाँ पे 30 का। एक बार लगा के देखता हूँ, ये आयरन यहाँ से 30 से जो है ये आयरन ऑफ हो जाता है और वॉइस जनरेट नहीं करता। अब मैं गोल्ड पे वापस टेस्ट करता हूँ तो जनरली क्या रहता है कि गोल्ड और एल्यूमिनियम फॉइल को अगर अपन को बंद करना है तो डिस्क को आप 40 तक रखिएगा। ये तब रखना है जब आप मशीन को लगभग सीख जाते हैं, ऑल मेटल में चलाते हैं, उसके बाद में डिस्क को यूज करें। या आप बीच में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कभी कभार मशीन के अच्छा ऊपर आपके मशीन के ऊपर कमांड हो जाता है, आप सीख जाते हैं तो बीच में भी इसको डिस्क मोड को यूज कर सकते हैं। तो ये अगर सिंपल प्रोसेस से अगर आप मशीन को चलाना है तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस है जो डिस्क में। उसके बाद में अगर आपको जैसे चलाना है तो आप वॉल्यूम ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से वॉल्यूम जो है एक तरीके से हल्की सी कटती हुई वॉल्यूम आनी चाहिए, ये भी हो सकता है। नॉच भी जैसे बीच में से कोई चीज हटानी है, जैसे आप देखिए बीच में से यहाँ से कोई चीज हट रही है, ये भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप शुरू में आप किसी भी तरीके से ज्यादा कुछ अपन को मशीन के साथ में गेम नहीं खेलना है, अपन को मशीन चलाना सीखना है तो अपन को उसके हिसाब से मशीन को चलाना ही पड़ेगा। अभी मैं वॉल्यूम को ये कर देता हूँ तो ये सारा आप देख लीजिएगा, पूरा कम्प्लीटली मैंने आपको एक तरीके से बता दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसको किस कोई भी मशीन जो आप हमसे ले जाते हैं वो किस प्रकार से चलाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपने जैसा कि देखा G2 का मैंने सिंपल और आसान शब्दों में पूरी तरीके से समझा दिया है, फिर भी समझ में नहीं आई है तो ये चीज हमेशा याद रखना, ले जाने के बाद में कॉल जरूर कीजिएगा, हमको पता नहीं रहता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फील्ड में आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।